नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुचे। दर्शक बंधु, नूतन ज्ञानकौशल चाषी भाई मानक पाखरे प्रेरण करिवार अनेक गुड़िया माध्यम रही, जेमिति कि तालीम, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण पुस्तिका, कृषि पत्रिका एवं विभिन्न संवाद पत्र कृषि पृष्ठ माध्यम। तेबे जेतिके संख्यार ज्ञानकौशल से मानक पाखरे पहुँचे, ताठारो ढेर अधिक ज्ञानकौशल से मानक पाखरे पहुँचे थाए आमर ए कार्यक्रम कृषि दर्शन। चाष सरीगले काम सरी जाए, एटा भाविबा भूल, कारण अमल होइतिबा फसल को बजार उचित दाम रे बिक्री करिबा होची सबुठारु बड़ कथा। सेतिपई त आमे आम कार्यक्रम रखी थाउ बजार दर। हाँ, से संपर्क तो जानिबा, किंतु ता पूर्वरु आसंतो जानबा किछि कृषि खबर। नमस्कार, कृषि खबर को आपण मानंकु स्वागत। कृषि कार्य रे आग को बढ़िबा पई चासी भाई टीए आवश्यक करिथाय किछि कृषि संबंधी तथ्य। एसबु ताकु विभिन्न उत्पादन वृद्धि एवं प्रचुर लाभ रे बेस सहायक होइथांती। सेथिपई आमे आम चासी भाई को किछि कृषि संबंधी तथ्य एवं किछि खबर जोगाई आसीछु। तेबे आसंतु वर्तमान किछि गुरुत्वपूर्ण कृषि खबर उपरे नजर पकाई नेबा। नाबार्ड पक्षर जलसेचन व्यवस्था, धान फसल रे खाद्य सार परिचालना, सफल चासी कालुचरण साहू, कोळथ किसम उर्मी, स्वयंचालित धान तळीरुआ यंत्र, ई रोगपोक सर्वेक्षण व्यवस्था, महु रप्तानी एवं पाणिपाग। कृषि पाई मुख्य आवश्यकता हला जलसेचन। उपयुक्त जलसेचन सुविधा मिलिले कृषक सुनार फसल फळाइथाय। केन्दुझर जिल्लार हरिचंदनपुर ब्लॉक भळी निपाणिया अंचलरे नाबार्ड पक्षर जलसेचन सुविधा जोगाई दिया जाउछि। एही पहाड़िया अंचलरे वर्षा पाणी जमीकु धोई नै तळकु बोई जाउथिला। तेबे नाबार्ड सहायतारे नाळ निर्माण करा जिबा सह प्राचीर निर्माण करा जाइछि, तेणु चासी भाई माने जलसेचन सुविधा पाइ परुछन्ति। एहा व्यतीत कृषक तथा स्वेच्छासेवी संगठन माध्यमरे चाष कार्य करा जाउछि। कृषक मानकु तालीम प्रदान करा जाइछि। आधुनिक पद्धति रे चाषवास करिबा पई समानकु परामर्श दिया जाउछि, फळरे एही निपाणिया अंचल शस्य श्यामला होइ परिछि। खरीफ धान चाषरे खाद्य सार परिचालना प्रति चासी भाई माने ध्यान देले लाभवान होइ परिबे। तीनोटि पर्यायरे फसलरे खाद्य सार प्रयोग करिबा आवश्यक। रुआ सार, पिल सार एवं थोड़ सारकु अनुमोदित परिमाणरे प्रयोग करिबा उचित। तेबे माटीर गुण अनुसार सार प्रयोग करिबा दरकार। यूरिया सार प्रयोग करिबा बेले निम्नलिखित यूरिया सार व्यवहार करिबा उचित। एहा द्वारा कम सार आवश्यक पड़िथाय ओ माटीर उत्पादिका शक्ति मध्ये वृद्धि पाइथाय। धान रोइबा समय रे जेतेबेले आमे चाष करूचे, मूल सार हिसाब रे आमर एक चतुर्थांश जवखारजान अर्थात प्राय 18 किलोग्राम यूरिया एवं समस्त सिंगल समस्त फस्फरस सार अर्थात 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फस्फेट एवं अधा पोटास अर्थात प्राय 14 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रयोग करंतु। कुकुड़ा पालन एक लाभजनक वृत्ति आउ एहाकु प्रमाणित कर देखाइछंती कालुचरण साहू। फुलबाणी रे तांकर घर, दीर्घ 20 वर्ष हेबो कुकुड़ा पालन करछंती। 10,000 कुकुड़ा रहिबा भळी फार्म टिए करिछंती। फार्म परिचालना पई 10-15 जणकु कामरे नियोजित करिछंती। कुकुड़ा मळ व्यवहार करी नाना प्रकार पनीपरिबा फसल चाष करुछंती। समस्त खर्च परे मासकु 30-40,000 टंका लाभ पाउछंती। एहि कुकुड़ा फार्मरु आय करी पिलांक पाठपढ़ा एवं घर खर्च तुलाउछंती। घर तयारी करिबा सहित किछि अर्थ मध्य संचय करि पारिछंती बोली कहंती कालुबाबू। तेरको 20 वर्ष ला मय फार्म डा आरंभ करछि, ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତା ଦେଲା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି କିଛି ଅନୁଦାନ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଏଇ ମୋର ଫାର୍ମର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର କ୍ୟାପାସିଟି ହେଲା 10,000 କ୍ୟାପାସିଟି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 10-15 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଆକାରରେ ଦେଲା ପରେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ମାସକୁ 40-50,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଉଛି। ଏଇଟାକୁ ଏଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମାଟି ଆମ ମାଟି
सुना 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 माटी भितरे सुना माटी उपरे फळी बसुना माटी उपरे फळी बसुना फसल पाइले दाना माटी 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 आमो माटी बुझिबा चल रे आमरी खेत रे से ही परिदाना किछि अछि अभाव थिले रे पूरा करिबा रे खत सार जेते बाछि बाछि पोखत हेले जानि बचासे पोखत हेले जानि बचासे माटी कुटी के जाखि माटी 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 आमो माटी जब खार जान फस फर सजे पटा सपरी जेते सार लुण कि बालुहा अबा भिटामिन जहा तार जेते दरकार माटी परीक्षर सब बुझी जीवा ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଈଗୋରୁମାନେ ଅନେକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ଯଦିଓ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସବୁ ରୋଗ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କୌଣସି ସିଜିନ୍ ବ୍ୟାରିୟର ନାହିଁ କୌଣସି ରୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ ଦୁଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାହାଣା ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ହେମୋରେଜିକ୍ ସେପ୍ଟିସିମିଆ କହୁ ବା କେତେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଗଳା ଫୁଲା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଉଛି ବଜବଜିଆ ଯେଉଁଟାକି ବାଛୁରୀମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜାଗାରେ ଚଟୁଆ ଫୁଲା ବି କହନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ୱାଟର୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ହେଉଛି କୃମି ରୋଗ କୃମିଜନିତ ରୋଗ ଏହି ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରାୟ କୃମିଜନିତ ରୋଗ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ ତା ଛଡ଼ା ପରଜୀବୀ ରକ୍ତକୃମିଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଥେଲୋରିଓସିସ୍ ବେବିସିଓସିସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରିପାନଜୋମିଓସିସ୍ ଏ ମଧ୍ୟ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଠାରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏଇ ରୋଗ ହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଠେରେ ବା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ହଠାତ୍ ଏହା ମାଡ଼ିଯାଏ ସାହାଣା ରୋଗ ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେ ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବ ଖାଇବା ତ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏବଂ ଜ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଜ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ଗଳା ଫୁଲିଯିବ ଗଳାଟା ଫୁଲିଯାଇ ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀର ଗଳା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଠାରେ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗଳା ଫୁଲା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଏ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋରୁଟି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବ ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି
ଟୀକାକରଣ ସାହାଣା ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଟୀକା 5 ml ଚର୍ମ ତଳେ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଟୀକାକରଣ କଲେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶୁର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ଆମେ କହିବି ଯେ ବଜବଜିଆ ରୋଗ। ବଜବଜିଆ ରୋଗ ଏକ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ, କ୍ଲଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ଚୌଭେଇ ନାମକ ଏକ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ରୋଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାଛୁରୀମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଜୀବାଣୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପୋର୍ ଫର୍ମିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାଟିରେ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ଜୋନ୍ କହୁ ଏବଂ ସେଠି ସେହି ରୋଗଟି ସେହି ଗାଁରେ ହେଉ ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଏ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବାଛୁରୀଟା ମରିଗଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗଭୀର ଗାତରେ ନ ପୋତନ୍ତି ଏବଂ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ପଡ଼ିଆରେ, ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ କି ଏହି ଜୀବାଣୁମାନେ ସ୍ପୋର୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଯାଆନ୍ତି, ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ମାଟିରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘାସ ହୁଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେ ଘାସରେ ଘାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସ୍ପୋର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘାସର ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚରିବା ସମୟରେ ବାଛୁରୀ ବା ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗଲାପରେ ଏମାନେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହି ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ବା ଅନ୍ତର୍ନଳୀରୁ ମାଂସକୁ ଯାଇକି ସେଠାରେ ବଂଶବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚଟୁଆ ଫୁଲା କହୁ, କାରଣ ମାଂସ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବାଛୁରୀର ମାଂସ ପ୍ରଥମେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁ ମାଂସଟା ଫୁଲିଯାଏ, ଚଟୁଆ ଫୁଲିଯାଏ, ଯେଉଁ ସବୁ ମାଂସଳ ଜାଗା ଚଟୁଆ ହେଲା, ଫରିଆ ହେଲା, ଏପରିକି ପିଠି ଉପର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଂସ ଫୁଲିଯାଏ ଏବଂ ଚିପିଲେ ତାହା ପଡ଼ପଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ପଡ଼ପଡ଼ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବଜବଜ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାକୁ ବଜବଜିଆ ମଧ୍ୟ କହୁ ରୋଗକୁ। ଏବଂ ବଜବଜ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବଂଶବିସ୍ତାର କରି ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ମାଂସରେ ଏବଂ ମାଂସକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ବଜବଜିଆ ରୋଗ ହୋଇଛି। କାରଣ ଏଇ ଗୋଡ଼ ଛୋଟାଏ, ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱର ହୁଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଏକ ମାଂସ ଫୁଲିଯାଏ ତା ଭୀଷଣ ବ୍ୟଥା ହୁଏ ଏବଂ ସେଟା ହାତ ମାରିଲେ ତାହା ବଜବଜ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ରୋଗ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ, 6 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଏ ରୋଗ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଗୋଟେ ଟକ୍ସିନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବଡ଼ିରେ, ଯେଉଁ ଟକ୍ସିମିଆ ଯୋଗୁଁ ବାଛୁରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଏହି ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବଜବଜିଆ ଟୀକା ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ 8 ମାସରୁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ। ସେମିତି ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ବା ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପ୍ରି ୱିଣ୍ଟର୍ ବା ଶୀତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଟୀକାର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଟୀକା ପ୍ରଥମ ଟୀକା ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, 10 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର୍ ଟୀକା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଟୀକାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟୀକା ଏବଂ 10 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର୍ ଟୀକା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ଟୀକା 5 ml ଲେଖା ସମତଳ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟୀକା ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର୍ ଟୀକା, ଏମିତି ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ବଜବଜିଆ ଟୀକା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା, ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଅନିୟମିତତା ତଥା ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ନହେବା,
एथिपाई अनेक जगार विशेषकर उच्चा बिल मानक धान फसल वर्षा दिन में करवाटा असंभव होता है। तो जो जगह धान फसल आम करने असंभव होता है समय समय चाषी भाई मैंने पड़िया पकाती जहाँफल कि अमल पाती ना से खाली जगार जदि से जगार आम कि धान फसल छाड़े कि अणधान फसल आम करें दु पैसा रोजगार करें देशर अर्थनीति आम सहायक हो पारा। तो यही सब प्रमुख जो अणधान फसल मान भितर वर्तमान समय रे सब भल जोटा कि यही परिस्थिति आज अच्छी अगस्त मासरे आम जब पहुँचले यही समय रे आमर दुईटा फसल आम कर गोटा हूँ चीना बादाम आ गोटा हूँ खरीफ जातीय आमर जो बिरी चाष कर जदि चीना बादाम कथा आम देखा चीना बादाम एक प्रमुख तैलबीज अर्थकारी फसल एथिरे चाषी भाई मैंने बहुत लाभान्वित हूँ एवं ये चीना बादाम खरीफ सीजन में बहुत भल अमल देते हैं अनेक जो आम रेकमेंड कराई भेरैट भितर से देवी प्राय आम देखीचु आम ओडिशा रे बहुत भल देवी भेरैटा बहुत भल अमलक्षम हो तो आम जदि चीना बादाम को आम आधार कर चाष करवा से जो जमीन आम चाष करवा से जमीटी साधारण भाव में निगिड़ा जमी होता दरकार जमी न रोथवा दरकार से जो जगह आम चाष करवा से विभिन्न प्रकार मटर चाष कर कि हालाका मटी हेले बादाम चाष से भल हुए कहीं बादाम वृद्धि तार जो अच्छी बादाम जो फल वृद्धि हुए मटी तले ही होता है तेणु से आमको टी हालाका मटी चयन कले भल हम एवं सर्वप्रथमें आम फसल करने पूर्व आम मटीटा को भल भाव परीक्षा करने दरकार माटी परीक्षा कले आमको से मटीर थोड़ा सब प्रकार जिते प्रकार सब खाद्य सार अच्छी केम अच्छी केसी अच्छी आम जापर और से अनुसार आम कृषि विशेषज्ञ सहित परामर्श करी आम अनुमित परिमाण में खाद्य सार परिचालनर आम तुम्हारे मार्गदर्शन पाई। तो प्रथम जो धान आम चीना बादाम आम चाष करवा से समय मटी को भल भाव गुंड कर हल करदे दरकार हल कर सारापर से चीना बादाम को आम मटी लगे पूर्व भल भाव आम विशोधन करवा बिहन विशोधन करवा साधारण चीना बादाम मात्रा हूँ बिहन मात्रा हूँ 125 के जी ओजन जो आम चोपा सह 125 के जी ओजन मंजी हूँ सफिसीयंट गोटे हेक्टर पर तो आम ये प्रथम चोपा छड़े कि मंजी पाता बाहर कर सारापर आपको 2 ग्राम प्रति के जी बिहन हिसाब से थीराम आम विशोधन करीराम छड़ा अन्न्य कवकनाशक फंजीसाइड बजार मिलू तापर विटाबेक्स पावर भी गोटे अच्छी से बिहन विशोधन करन विशोधन कर सारापर से बर्तमान आम अनुमोदित जो अच्छी डिस्टेंस रे बा दूरतार करवापर आम जो खाद्य सार ए परिचालन कराए विशेषकर चीना बादाम प्रमुख खाद्य सार हूँ पोटास तेना आम ये सब भल सार बर्तमान बजार जो मिलूँ से 10-26-26 से अधिका मात्रा पोटास थाए आम रेकमेंडेशन करवा चाषी भाई मैंने लाभान्वित हो पारे। तो यही जो आम अच्छी आम खाद्य सार परिचालन कला बेल गोटे दिगू ध्यान रखा जपरिकी आम मटीर जो मटी परीक्षा आम कर तार अनुमोदित किसमर अनुमोदित परिमाण ही खाद्य सार आम व्यवहार करवा मन इच्छा करवा ना जहाँफल कि आम अजथार आम खाद्य सार जनित खर्चा बढ़िजी। तो खाद्य सार परिचालन कर सारापर एमें देखा पानी व्यवस्था साधारण वर्षा दिन जी बराबर वर्षा होती हूँ तो पानी परिचालन दरकार पड़े ना कि चीना बादाम फसल कतोटे प्रमुख अवस्था अच्छी जो समय कि जदि वर्षा अनियमितता है वर्षा है ना बहुत लंबा समय पर्यटन मरुड़ी पड़ा से आम पानी व्यवस्था करवा प्रथम अवस्था हूँ जितेबले फूल उड़ाया अवस्था फूल उड़ाया अवस्था आम पानी जहाँ भी हेल्ले परिचालन करवा फूल उड़ाया पर जो तार पेगिंग आरंभ हुए जो नाड़ बाहर जोटा जाए कि मटी तले आगामी अवस्था से बादाम फलटा सृष्टि करे से समय आम टे पा मड़ेबा और जो फल वृद्धि हुए से समय आम करवा चीना बादाम फसल जी आम खाद्य सार देखा एक प्रमुख खाद्य सार अच्छी जे कि चीना बादाम तेलर मात्राटा बहुत वृद्धि करे और बहुत मजबूत फसल करे से जो से आम अणुसार सल्फर सल्फर जनित सार जी आम प्रयोग करवा जिंक सल्फेट आम जो सरी सल्फर आम जिंक सल्फेट मध्यम दे पारा किंबा एनी सल्फर मार्केट में मिलूता सल्फर को जी आम प्रयोग करवा बहुत अनेक अधिकांश परिमाण में आम अमल वृद्धि होगा संगे संगे से तेल अंश वृद्धि पा तेणु सल्फर सल्फर जनित सार आम चाषी भाई मैंने प्रयोग करवा दरकार आ छड़ा चीना बादाम आम अमल करने पूर्व आम गोटे जिनस ध्यान रखा जे
आम चीनाबादाम समय आम बिलटा केमती घास परिचालना करवा खरीफ सीजन में साधारण बहुत मात्र घास होता है तो से समय घास परिचालना करने बजार में अनेक प्रकार घास मरा मिलू से घास मान भितर साइमाजिन नाइट्राजिन टाइप जो अच्छी घास मरा से आम व्यवहार करपर तो यही घास मरा घास परिष्कार रखा मटी को तो यहीटा आम जी करमक बहुत अधिका अमल मिल पार पनीपरिया भलिकी भली जेते